सतगुरु पूरा जो मिले मेटे कर्म कलेखा। सतगुरु पूरा जो मिले मेटे कर्म कलेखा। होनी को अन होनी कर मार रेख पे मेखा। सतगुरु पूरा जो मिले मेटे कर्म कले। सतगुरु पूरा जो मिले मेटे कर्म कले खा। समझ गुरु धारिए बहु बने है देखी देखा। सो समझ गुरु धारिए बहु बने है देखी देखा। सार शब्द चिन्ह नहीं रे धार फिर बेखा। सतगुरु पूरा जो मिले मेटे कर्म कलेखा। 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 स्वांग धरे साधु का मांगत फिर पैसा। स्वांग धरे साधु का मांगत फिर पैसा। जो धन का भूखा फिर रे वो साधु है कैसा। सतगुरु पूरा जो मिले मेटे कर्म कलेखा। सतगुरु पूरा जो मिले मेटे कर्म कलेखा। होनी को अन होनी कर मार रेख पे मेखा। सतगुरु पूरा जो मिले मेटे कर्म कलेखा। सतगुरु पूरा जो मिले मेटे कर्म कलेखा। राम रहीम को दो कह साहेब तो है एका। राम रहीम को दो कह साहेब तो है एका। तीर्थ व्रत नवाज करे ठाए फिर ठेका। सत्यपुर जहाँ पर आपको स्थान मिला हुआ है वहां पर आप बैठ जाएं, खड़े न रहें, ताकि पीछे जितने भाई बहन खड़े हैं उनको भी सतगुरु के द्वार का मौका मिले, इस कार्यक्रम के जो आपको जानने समझने का मौका मिले। आप जहाँ पर आपको स्थान जहाँ पर आप खड़े हैं आप अपने स्थान पर बैठ जाएं, बैठ जाओ आप। जैसा कि आप जानते हैं हर सत्संग के मुबारक मौके पर हुजूर महाराज जी के आदेश से उनके हुक्म से उनकी मौत से सात संगत के लिए हुजूर महाराज जी की अनमोल वाणी को
पुस्तक रूप देकर साथ संगत के लिए जारी किया जाता है। बुजुर्ग महाराज जी के आदेश से गुरु पूर्णिमा के इस मुबारक मौके पर भी नई पुस्तक तब तक मरते रहेंगे, तब तक मरते रहेंगे इस पुस्तक का शीर्षक है। ये पुस्तक जहां आपको गुरु वचनों के समीप लेकर जाएगी, गुरु वचनों को समझने की ताकत प्रदान करेगी, उसी के साथ साथ आप अपने इस जीवन को और इस जीवन के असल लक्ष्य के और नजदीक इस पुस्तक के माध्यम से हुजूर महाराज जी के सत्संग को, हुजूर महाराज जी के अमर वचन को पढ़कर और ज्यादा नजदीक आप अपने परम ध्येय के अपने आप को पाएंगे। पुस्तक का संकलन हुजूर महाराज जी के वाणी का संकलन बहन सुनीता यादव ने किया है। इसके साथ साथ एक नया मेमोरी कार्ड के माध्यम से जैसा हुजूर महाराज जी का हुक्म होता है, साथ संगत के लिए हमारी कोशिश रहती है कि साथ संगत के लिए एक ही मेमोरी कार्ड में जो आप मोबाइल फोन में आप बजा सकते हैं, अपने ऑडियो सिस्टम में आप उसको चला सकते हैं, एक मेमोरी कार्ड में पूरे शाम भर के सत्संगों को संकलित करके, ताकि एक ही वस्तु में एक मेमोरी कार्ड में आपको समस्त सत्संग गुरु महाराज के मिल जाए, आप उसका आनंद उठाएं, आप उसका आध्यात्मिक लाभ उठाएं। गुरु महाराज जी की मौत से एक ऐसा मेमोरी कार्ड को साथ संगत के लिए आज जारी किया जा रहा है, एक नया स्वरूप जो गुरु महाराज जी साथ संगत क्रिसमस का विमोचन करेंगे। आपकी मांग पर एक हुजूर महाराज जी का नया आकर्षक स्वरूप भी साथ संगत के लिए जारी होगा। इससे पहले कि हुजूर महाराज जी पुस्तक का विमोचन करें, मैं इस पुस्तक का जिन्होंने संकलन किया है बहन सुनीता यादव, हुजूर महाराज जी की आधुनिकता में बहन सुनीता यादव को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ, ताकि इस पुस्तक के बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग, इस पुस्तक का सार आप लोगों के सामने समझा सके। बहन सुनीता यादव, राधा स्वामी।
कब तक मरते रहेंगे, ये पुस्तक हमारे ऑफिस के पास जितने स्टॉल लगाई गई है उन स्टॉलों पर साथ संगत के लिए उपलब्ध होगी। इसके साथ साथ नई मोबाइल चिप, मोबाइल फोन में या आपके ऑडियो सिस्टम में बजाई जाने वाला मोबाइल एसडी कार्ड, बुजुर्ग महाराज जी इस एसडी कार्ड का भी साथ संगत के समक्ष विमोचन करेंगे। मैं भाई राजीव भैया जी से निवेदन करता हूँ जिसमें 2015 पार्ट भाग वन भाग एक 2015 इस नाम से ये एसडी मोबाइल कार्ड हमारे स्थानों पर उपलब्ध रहेगा। जिस किसी भाई बहन को ये कार्ड चाहिए, एक ही कार्ड के माध्यम से है हुजूर महाराज जी साथ संगत के समक्ष। अब मैं भाई राजीव लोहिया जी से गुजारिश करता हूँ जो चार नए स्वरूप साथ संगत के लिए जारी किए गए हैं, चार नए स्वरूप आपके समक्ष हुजूर महाराज जी उन स्वरूपों का विमोचन करेंगे। ये चार स्वरूप आपके समक्ष भाई राजीव लोहिया जी दिखा रहे हैं। ये स्वरूप भी हुजूर महाराज जी के आशीर्वाद से उनके हुक्म से स्थानों पर उपलब्ध रहेंगे। भाई बहन इन स्वरूपों का आनंद उठा सकते हैं। हुजूर महाराज जी साथ संगत के समक्ष इन चार स्वरूपों का विमोचन कर रहे हैं। राधा स्वामी गुरु प्रणाली को दर्शाता है स्वरूप, इसमें लाइट वाला स्वरूप भी है और बिना लाइट वाला भी है। साधो सतगुरु दर्शन कर लो, साधो सतगुरु दर्शन कर लो, सिर साटे जो सतगुरु मिल जा, सिर साटे जो सतगुरु मिल जा, तो भी जानो सर लो साधो सतगुरु दर्शन कर लो। ताड़ मार जो कर सतगुरु समझो, काटो कर्म पूरब लो। ताड़ मार जो कर सतगुरु समझो, काटो कर्म पूरब लो। लाड प्यार जो कर तुमसे, लाड प्यार जो कर तुमसे, आनंद कोठा भर लो साधो सतगुरु दर्शन कर लो। सिर साटे जो सतगुरु मिल जा, सिर साटे जो सतगुरु मिल जा, तो भी जानो सर लो साधो सतगुरु दर्शन कर लो। वचन सुनो सतगुरु प्यारे के, सुन सुन हृदय धर लो। वचन सुनो सतगुरु प्यारे के, सुन सुन हृदय धर लो। सतगुरु रूप है चंद्रमा कर सारे का प्रकाश, कंवर शरण में जा रहो मेट सभी तरास। शरण बिन समझ मिलना चाहे चारों दिशा ले डोल भोली सजनी, हरि से मिलन कैसे हो भोली सजनी,
हरि से मिलन कैसे हो। गुरु की शरण बिन समझ मिलना चाहे चारों दिशा ले डोल भोली सजनी हरि से मिलन कैसे हो। भोली सजनी हरि से मिलन कैसे हो। जल्दी करो चेत मारे सुर तल सतगुर पूरा तो। जल्दी करो चेत मारे सुर तल सतगुर पूरा तो। ए मारी सजनी ले दाग जिगर के दो। ए मारी नीले दाग जिगर के दो। गुरु की शरण बिन समझ मिलना चाहे चारों दिशाल डोल भोली सजनी हरि से मिलन कैसे हो। भोली सजनी हरि से मिलन कैसे हो। गुरु की शरण बिन समझ मिलना चारों दिशाल डोल भोली सजनी हरि से मिलन कैसे हो। भोली सजनी हरि से मिलन कैसे हो। प्रेम पीत के रीत बड़ा के नाम की ज्योति जो। प्रेम पीत के रीत बड़ा के नाम की ज्योति जो। ए मारी सजनी थारे दिल विच दर्शन हो। ए मारी सजनी थारे दिल विच दर्शन हो। गुरु की शरण बिन समझ मिलना चाहे दिशा ले डोल भोली सजनी हरि से मिलन कैसे हो। भोली सजनी हरि से मिलन कैसे हो। गुरु की शरण बिन समझ मिलना चाहे दिशा ले डोल भोली सजनी हरि से मिलन कैसे हो। भोली सजनी हरि से मिलन कैसे हो। ओ सर जावे फिर नहीं आवे फिर मुंड पकड़ करो। ओ सर जावे फिर नहीं आवे फिर मुंड पकड़ करो। ए मार सजनी क्यों वेर था जीवन फो। ए मारी सजनी क्यों वेर था मन खो। गुरु की शरण बिन समझ मिलना चारों दिशा डोल भोली सजनी हरि से मिलन कैसे हो। भोली हरि से मिलन कैसे हो। गुरु की
शरण बिन समझ मिलना चाहे दिशाल डोल बोली सजनी हरि से मिलन कैसे होए बोली सजनी हरि से मिलन कैसे हो मंदिर तीरथ काहे डोल तेरे अंध ढूंढ मैटो मंदिर तीरथ काहे डोल तेरे अंध ढूंढ मैटो ए मारी सजनी ले नाम सांस में ओ ए मारी सजनी ले नाम सांस में ओ गुरु की शरण बिन समझ मिलना चारों दिशाल डोल बोली सजनी हरि से मिलन कैसे होए बोली सजनी हरि से मिलन कैसे हो गुर की शरण बिन समझ मिलना चाहे चारों दिशाल डोल बोली सजनी हरि से मिलन कैसे हो बोली सजनी हरि से मिलन कैसे हो अमृत छोड़ के विष को पीते क्यों विष मोड़ रे बो अमृत छोड़ के विष को पीते क्यों विष मोड़ रे बो ए मारी सजनी ये दूर करो सब मोर सजनी ये दूर करो सब गुरु की शरण बिन समझ मिलना चारों दिशाल डोल बोली सजनी हरि से मिलन कैसे हो बोली सजनी मिलन कैसे हो गुरु की शरण बिन समझ मिलना चारों दिशाल डोल बोली सजनी हरि से मिलन कैसे हो बोली सजनी हरि से मिलन कैसे हो सतगुर तारा चंद कैचित कंवर ले अपनी चादरिया दो सतगुर तारा चंद कैचित कंवर ले अपनी चादरिया दो ए मारी सजनी फेर प्रीतम से मिलना हो ए मार सजनी फेर प्रीतम से मिलना हो गुर की शरण बिन समझ मिलना चारों दिशाल डोल बोली सजनी हरि से मिलन कैसे हो बोली हरि से मिलन कैसे हो गुरु की शरण बिन समझ मिलना चारों दिशाल डोल बोली
सजनी हरि से मिलन कैसे होए बोली सजनी हरि से मिलन कैसे हो राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जीओ, बुजुर्गो, माताओं, बहनों, भाइयों, जितने भी सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, आज सत्संगियों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार गुरु पर्व के नाम से जाना जाता है। गुरु पूर्णिमासी भी इसको कहते हैं। तो इस शुभ दिन पर आप सबको मंगल कामना। क्योंकि सत्संगियों के लिए इससे बढ़ के दूसरा कोई दिन नहीं हो सकता। हमारे वेदों में, शास्त्रों में पुरातन काल से साठ शुक्ला पूर्णिमा को गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। बल्कि शास्त्रों में माँ बाप की प्रथम पूजा के बाद में गुरु को भी उतना ही दर्जा दिया गया है जितने माँ बाप को देते हैं। बल्कि हमारे शास्त्रों ने तो सब देवताओं से भी बढ़ के गुरु को मानना है और कहा भी है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु पार ब्रह्म तस्मे श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब है गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शंकर है, गुरु सर्वसव है। इसलिए गुरु के चरण कमल में हमारा नमन है। बल्कि शास्त्रों में कहा है जिस तरह आचार्य देव भवे, आचार्य गुरु को ही कहते हैं। परंतु यहाँ तो गुरु का अर्थ हम उससे भी ऊंचा सतगुरु को लेते हैं जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा इस संसार के भ्रम जाल से भी और काल चक्र से निकाल के सदा के लिए मुक्त कर देते हैं। हर जगह, हर स्थान पर गुरु की महिमा गाई गई है। यहाँ तक कि संसार के भी जितने काम हम करते हैं उन सब में किसी न किसी को, किसी जानकार को, किसी भेदी को, किसी रहबर को या किसी पथ प्रदर्शक को अपनाना पड़ता है, जिसके द्वारा जिस क्षेत्र में हम कोई भी काम करना चाहते हैं वो हमें उसका ज्ञान दे के और काम में सफलता दिला सके। उसको सिर्फ गुरु कहा जाता है। गुरु अनेक हो सकते हैं जीव के, लेकिन जो अध्यात्म ज्ञान देता है, जो प्रभु से मिलने का रास्ता बताता है, जो हमारे रूप पर कर्म के पर्दे चढ़े हुए हैं, जन्म जन्मांतर से जैसे कर्म ये हम करते आए हैं और जिन कर्मों को हम पूरा नहीं कर पाए वो संचित कर्म में जुड़ते चले गए और उनको भोगते भोगते
84 में अनेक योनियों में हमने धक्के खाए, सुख कहीं भी नहीं मिला। ये जीव हर बार संसार में आता गया, जैसी इसको योनि मिलती गई उस योनि में एक कर्म करता हुआ, उनको भोगता हुआ, अज्ञान के बस बुरे भले या जैसे भी इसने कर्म किए, अज्ञान के बस जो किए जाते हैं वो इतने कर्म अच्छे नहीं किए जा सकते। तो इंसान का जब चोला मिलता है, इसी में ये जीव इस चीज का भेद भी पाता है कि हम परमात्म रूप थे, उनके चरणों में हमारा वास था, लेकिन हम काल और माया के देश में आने के कारण अपने कर्म के फंदे में फंस के गुलामी की जंजीरों में बंधे बैठे हैं। लेकिन जब वक्त के संत सतगुरु आते हैं तो उन जीवों को वो नाम का ज्ञान देके, इनके मन में पड़े हुए भ्रमों को निकाल के और जो जन्म जन्मांतर के कर्म के बंधन थे उन बंधनों से मुक्त करके, उन पापों से स्वतंत्र करा के, पूरे करके और फिर उनको निज धाम में भेजते हैं। इसीलिए गुरु को हर बार पूजा गया है, गुरु को हर बार उच्च माना गया है, सर्वोच्च पद सतगुरु को दिया गया है।